आदर्श शिक्षण संस्थान की ऑनलाइन कक्षा में सभी भाई बहनों का स्वागत अभिनंदन। आज हम पढ़ने जा रहे हैं कक्षा दसवीं। दसवीं का विषय है सामाजिक अध्ययन। सामाजिक अध्ययन का भाग है इतिहास। इतिहास में हम पढ़ने जा रहे हैं इतिहास का तीसरा अध्याय जिसका नाम है भारत में राष्ट्रवाद। भारत में राष्ट्रवाद कब हुआ? जब यूरोप में राष्ट्रवाद हुआ, फ्रांस की क्रांति जब सफल हो गई, उस फ्रांस की क्रांति के सफल होने के बाद कई देशों में राष्ट्रवाद हुआ और उसी तर्ज पर भारत में भी अंग्रेजी शासन के विरुद्ध भारत में राष्ट्रवाद होने लगा और उसके बाद भारत में कई नए प्रतीक चिन्ह अपनाए जाने लगे, कई नए गीत गाए जाने लगे, कई चिन्ह अपनाए जाने लगे और इस तरह से भारत में भी राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई। ये भारत में राष्ट्रवाद की शुरुआत उस समय तीव्र गति से होने शुरू हो गई जिस समय विश्व में विश्व युद्ध चल रहा था। जब पहला विश्व युद्ध चल रहा था उस समय भारत का राष्ट्रवाद उफान पर था। राष्ट्रवाद का क्या मतलब होता है? ऐसी भावना यानी तन मन से सब कुछ देश के लिए समर्पित हो जाना, राष्ट्र के लिए समर्पित हो जाना, दूसरा शब्द उनके सामने नकली हो जाना, सबसे फर्स्ट सबसे प्रथम स्थान पर राष्ट्र होना, उस भावना को राष्ट्रवाद कहते हैं। तो भारत में राष्ट्रवाद इस 20वीं शताब्दी के शुरुआत में प्रथम विश्व युद्ध के दौरान देखने को मिलती है, उस समय उफान पर था भारत का राष्ट्रवाद। आज अपन पढ़ते हैं पहला विश्व युद्ध खिलाफत और असहयोग आंदोलन। जिस समय पहला विश्व युद्ध चल रहा था उसी प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इस राष्ट्रवाद की शुरुआत हुई थी। 1917 से लगातार 1918 के बीच जब प्रथम विश्व युद्ध हुआ था तो उस समय दुनिया के कई देश थे जो इस युद्ध में शामिल थे। कई ऐसे देश भी थे जो युद्ध में शामिल थे तो कई ऐसे थे जो अप्रत्यक्ष रूप से शामिल थे। जैसे शक्तिशाली देशों में जो उपनिवेश थे वो शक्तिशाली देशों को समर्थन कर रहे थे। भारत इस विश्व युद्ध में शामिल नहीं था लेकिन भारत इंग्लैंड का उपनिवेश होने की वजह से भारत की सेना इंग्लैंड के साथ में लड़ रही थी तो भारत भी अप्रत्यक्ष रूप से युद्ध में शामिल हो गया। इस राष्ट्रवाद के दौरान हम मुख्य रूप से ये पढ़ने जा रहे हैं कि प्रथम विश्व युद्ध 1917-18 के बीच हुआ, उसी दौरान भारत में उसके वजह से उसके दौरान जो राष्ट्रवाद फैला उसमें कौन कौन सी घटनाएं घटी उनके बारे में पढ़ते हैं। पहला विश्व युद्ध के दौरान मित्र राष्ट्र और धुरी राष्ट्र दो खेमों में विश्व को बंटा हुआ था। उसी दौरान विश्व में इंग्लैंड जो मित्र राष्ट्र के ओर से लड़ रहा था, इंग्लैंड ने भारत में भारतीय लोगों को जबरदस्ती सेना में भर्ती करना शुरू कर दिया गया। भारतीय लोग सेना में भर्ती नहीं होना चाहते थे। भारतीय लोग अपने कृषि करके पशुपालन करके जीवन निर्वाह करना पसंद करते थे, सेना में भर्ती होना नहीं चाहते थे। लेकिन भारतीयों को जबरन सेना में भर्ती किया गया, अनिवार्य रूप से पकड़ पकड़ कर सेना में भर्ती किया गया। ऐसी प्रक्रिया को जबरन भर्ती कहा गया। अर्थात जबरन भर्ती प्रथम विश्व युद्ध के दौरान इंग्लैंड के द्वारा भारतीयों के लिए की गई थी और इसी समय जबरन भर्ती जब कर दी गई तो जितने भी युवा लोग थे भारत के वो इस युद्ध भूमि में काम आ गए, युद्ध भूमि में शहीद हो गए और कई घायल हो गए। और उसी समय एक फ्लू नामक महामारी फैल रही थी, वो विश्व में महामारी फैल रही थी, विश्व के कई देशों में फैल चुकी थी। जैसे वर्तमान अभी कोरोना जैसा महामारी संक्रमण होने की वजह से कई देशों को कई लोगों को अपने चपेट में ले लिया है, उसी तरह से फ्लू नाम की जो महामारी थी उसकी वजह से भी कई लोग मारे गए। विश्व के कोने कोने में ऐसी महामारी फैल गई। जोधपुर के महाराजा सुनील सिंह भी इस फ्लू रोग से वंचित रह रखे और वो समय इस बीमारी की वजह से मृत्यु हो गई। इस तरह से फ्लू रोग की वजह से कई लोग मारे गए, दूसरे जो युवा लोग थे वो युद्ध भूमि में मारे गए। इस तरह से भारतीय लोग अंग्रेजी शासन पद्धति से अंग्रेजी शासन व्यवस्था से बड़े दुखी थे। लेकिन भारतीय लोग ऐसा विश्वास करके बैठे थे गांधी जी के आग्रह पर कि जब युद्ध समाप्त होगा तो हमारे लिए स्वराज की व्यवस्था करेंगे। उस आशा के साथ इस युद्ध की समाप्ति का इंतजार कर रहे थे। लेकिन ऐसा हुआ नहीं। युद्ध समाप्त होने के बाद और ऐसी कई घटनाएं हुई और ऐसे कई कानून हुए जो भारतीयों के विरुद्ध। उससे पहले अपन पढ़ते हैं सत्याग्रह का विषय। सत्याग्रह किसे कहते हैं? सत्याग्रह का शाब्दिक अर्थ होता है सत्य के प्रति आग्रह, अर्थात सत्य की शक्ति पर विश्वास करना। सत्याग्रह के आधार पर ही गांधी जी ने अंग्रेजों से विद्रोह किया, अंग्रेजों से विरुद्ध आंदोलन किए, अंग्रेजों के विरुद्ध नेतृत्व किया भारतीय लोगों का। जीवन में पहली बार गांधी जी ने सत्याग्रह दक्षिणी अफ्रीका में किया था। भारत में पहली बार सत्याग्रह गांधी जी ने चंपारण आंदोलन किया था जो हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। सत्याग्रह विचार। गांधी जी 9 जनवरी 1915 को भारत आए, उससे पहले दक्षिणी अफ्रीका में पढ़ाई करते थे। यहाँ आने के बाद में गांधी जी की मुलाकात सबसे पहले गोपाल कृष्ण गोखले से हुई। गांधी जी चाहते थे भारत का नेतृत्व करना तो गोपाल कृष्ण गोखले जो इनके राजनीतिक गुरु माने जाते हैं उन्होंने गांधी जी को कहा अगर भारतीयों का नेतृत्व करना चाहते हैं तो आपको पूरे भारतवर्ष का भ्रमण करना चाहिए, भारतीयों के बारे में उनकी जमीनी हकीकत के बारे में जमीनी जानकारी पता होनी चाहिए, इस तरह से भारतीयों के बीच में जाना चाहिए, ऐसा गोपाल कृष्ण गोखले ने गांधी जी को सलाह दी थी। उसी समय चंपारण आंदोलन चल रहा था।
1915 में आए और 1917 में संपर्ण आंदोलन चल रहा था। गांधी जी को इसी अवसर के कारण थी और वो राजेंद्र प्रसाद बाबू के साथ में वहां पहुंच गए और वहां पहुंचकर देखा कि किसान लोग आंदोलन कर रहे हैं। किसान आंदोलन इसलिए कर रहे थे कि वहां पर उस काल में ये जो नील होती थी इससे रंग बनाया जाता था और ये रंग अंतरराष्ट्रीय बाजार में बहुत महंगा बिकता था, तो अंग्रेजी शासन व्यवस्था को बहुत लाभ होता था, इसलिए इस नील का उत्पादन करवाया जाता। लेकिन वो किसान नील का उत्पादन करना नहीं चाहते थे। वो नील का उत्पादन करना क्यों नहीं चाहते थे? क्योंकि नील का जो पौधा होता है बड़ा ही नाजुक पौधा होता है, उनको बड़ा करने के लिए बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ती है, संघर्ष करना पड़ता है, और एक बार जहाँ नील का उत्पादन हो जाता है वहां फिर दूसरी फसल का उत्पादन करना संभव नहीं होता है, वो जमीन अनुत्पादक हो जाती है। इसलिए वो भारतीय किसान लोग नील की खेती का उत्पादन नहीं करना चाहते थे। तब अंग्रेजों ने इन किसानों को लालच देकर एडवांस में धन देना शुरू किया, जब फसल हो जाएगी उनके हम ऐसा कर देंगे, वो कीमत आपको सुगत कर देंगे, लेकिन कुछ कीमत आपको पहले से एडवांस में दे दी जाती, अतिरिक्त दी जाती। जो एडवांस में धन दिया जाता था उसको पेश की गाय है। अभी वर्तमान में पेश के शब्द प्रचलित है, ये पेश के शब्द औपनिवेशिक शब्द है, इस तरह से पेश के द्वारा धन दिया जाता। लेकिन जिस समय संपर्ण आंदोलन चल रहा था उसी समय ये जो रंग जो नील से बनाया जाता था वो अंतरराष्ट्रीय बाजार में रंग रासायनिक पदार्थों से बनाया जाने लगा। जब रासायनिक पदार्थ रंग बनाया जाने लगा तो उस रंग की कीमत कम आने लगी, लागत कम होने की वजह से कीमत कम होने लगी, और ये नील से जब रंग बनाया जाने लगा तो महंगा होने लगा। तब अंग्रेजी सरकार ने देखा इसे अंतरराष्ट्रीय व्यापार जगत में हमें घाटा हो जाएगा, तब उन्होंने कहा नील का उत्पादन नहीं करना है, अब रासायनिक रंग पैदा करेंगे और जो आपको धन दिया गया ब्याज से वापस दे दो, पेश की जो दी गई है ब्याज से वापस दे दो। तब किसानों का हमारा संभव नहीं है, वो धन खर्च कर लिया, ब्याज नहीं दे पाते और इसलिए आंदोलन कर रहे थे। गांधी जी वहां पहुंचे और ब्याज माफ करके धन को वापस लौटाए। इस तरह संपर्ण आंदोलन में गांधी जी का नेतृत्व रहा। उसके बाद में वो खेड़ा आंदोलन गए। ये खेड़ा कहाँ है? ये संपर्ण तो बिहार में और खेड़ा है गुजरात में। गुजरात गए, वहां पर किसान आंदोलन कर रहे थे, वो भी किसान थे। वो किसान आंदोलन इसलिए कर रहे थे कि उस समय वहां पर अकाल पड़ गया था और दूसरे वहां पर प्लेग नाम की बीमारी हो गई। ये तो थी फ्लू नाम की, जो अंतरराष्ट्रीय स्तर की बीमारी थी, वहां की प्लेग बीमारी जो सुबह से हो गई थी वो भी संक्रमण बीमारी थी। इधर तो प्लेग की बीमारी से लोग मर रहे थे, इधर अकाल पड़ गया था, लोगों को खाने को नहीं था, ऊपर अंग्रेजी सरकार दबाव डाल रही थी लगान देने के लिए। तब किसानों ने विवश होकर खेड़ा आंदोलन किया और गांधी जी वहां पहुंचे और खेड़ा आंदोलन के नेताओं और अंग्रेज शासन की भी मध्यस्थता करके उस लगान को माफ करवाया। इस तरह संपर्ण आंदोलन का नेतृत्व किया, फिर खेड़ा आंदोलन के और फिर गांधी जी अहमदाबाद मजदूर आंदोलन में शामिल थे। अहमदाबाद के मजदूर आंदोलन क्यों कर रहे थे? ये कपड़ा मिल थी जिसमें कई समय लंबे समय तक मजदूरी बढ़ा नहीं रहे थे, तब मिल मजदूरों ने आंदोलन किया और वहां जाकर उनके बीच में मजदूरों और अंग्रेज शासन के बीच समझौता कराया। इस तरह से गांधी जी 1915 में आए, संपर्ण आंदोलन भाग लिया, खेड़ा आंदोलन भाग लिया, अहमदाबाद के मिल मजदूरों का भाग लिया। 1918 में आंदोलन समाप्त हो गया। उसके बाद में ये जो विश्व युद्ध थी 1918 में समाप्त हो गया। अब लोगों का आग्रह था, लोगों की इच्छा थी, लोगों की ऐसी भावना थी हमारे लिए कुछ स्वराज लाया जाएगा। लेकिन अंग्रेजी शासन को लगा कि फ्लू नामक बीमारी की वजह से कई लोग मर गए, युवा लोग थे युद्ध भूमि में काम आ गए, भारतीय लोग बड़े दुखी है और दुखी होकर के विद्रोह ना करने, इसलिए उस विद्रोह को दबाने के लिए हमें पहले से कोई कानून बनाना चाहिए। इसी उद्देश्य को लेकर एक कानून बनाया जिसका नाम था रॉलेट एक्ट। रॉलेट सिडनी नाम का एक व्यक्ति था, अंग्रेज व्यक्ति, उसके नेतृत्व में कानून बनाया गया रॉलेट एक्ट। इस रॉलेट एक्ट में यह प्रावधान था, अगर किसी भी भारतीय व्यक्ति को ऐसा लगे, संदेह के आधार पर ऐसा लगे ये व्यक्ति हमारे विरुद्ध कोई हलचल कर सकता है, तो संदेह के आधार पर उनको गिरफ्तार कर लिया जाए और 2 साल तक उसको जेल में बंद कर दिया जाए। उन्हें किसी तरह की कोई अपील करने का अधिकार ना दिया जाए, उसे किसी तरह की दलील करने का अधिकार ना दिया जाए, उन्हें किसी तरह का वकील करने का अधिकार ना दिया जाए। इस तरह का भयावह कानून बनाया गया। भारतीयों ने इसका बड़ा विरोध किया, लेकिन अंग्रेजी सरकार ने आनंद फानंद इस कानून को पास कर दिया और पास करके भारत में लागू कर दिया गया। इसलिए बिना अपील, बिना दलील और बिना वकील का कानून इसे कहा गया। इस कानून को काला कानून भी कहा गया। जब पूरे भारत में इस कानून को लागू कर दिया गया, मार्च 1919 में इसको लागू किया गया, 6 अप्रैल 1919 में पूरे भारतवर्ष में हड़तालें हुई, जुलूस निकाला गया, शांतिपूर्ण धरने प्रदर्शन हुए। उसी दौरान पंजाब और दिल्ली में कुछ झड़पें हुई, पंजाब में 2 क्रांतिकारी को गिरफ्तार कर लिया गया। 6 अप्रैल 1919 को जब क्रांतिकारियों को गिरफ्तार कर लिया गया तो उसके बाद में 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग में वैशाखी का मेला था और वहां पर लोगों का रौले करते हुए विरोध था, विरोध भी था, 2 क्रांतिकारी गिरफ्तार किया, उनकी भी विरोधी थी। इस तरह से वैशाखी के मेले के अवसर पर वहां पर जलियांवाला बाग में लोग सभी एकत्रित होने लगे। लेकिन उस समय
जनरल लाइन है वहां पर मार्शल लॉ लागू कर दिया गया था। मार्शल लॉ, मार्शल लॉ क्या होता है, इसमें हथियार लेकर एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति के पास नहीं जा सकता है, चार या चार से व्यक्ति एक साथ आ जा नहीं सकते, इस तरह से मार्शल लॉ लागू कर दिया। लेकिन भारतीय लोग, भोले भाले लोग, अनपढ़ लोग, उनको ये जानकारी नहीं थी मार्शल लॉ था, और उन्होंने वैसा की कि मेले पर इस रॉलेट एक्ट का विरोध करने के लिए सभी एकत्रित हो गए और आग में उपस्थित हो गए, और जनरल डायर तुरंत वहां पहुंचा और जले वाला बाग को चारों तरफ से घेर दिया और मुख्य दरवाजे से प्रवेश करता हुआ अंधाधुंध गोलियां चली, और अंधाधुंध गोलियां चलाने के बाद में वो जब तक गोलियां चलाता रहा जब तक उसके राइफल में राउंड खत्म नहीं हुए। लगभग 10 मिनट तक फायरिंग की और 1500 से अधिक लोग मारे गए, कुछ उनकी गोलियों से मारे गए, कुछ दौड़ते हुए हुड़दंग में मारे गए, कुछ एक कुएं थे कुएं में गिर पड़े, इस तरह से 1500 से अधिक लोग मारे गए। ये भारतीय इतिहासकार बताते हैं, लेकिन अंग्रेजी शासनकाल, अंग्रेजी सरकार ये कहती है कि 379 लोग मारे गए। तो कहां 379 और कहां 1500, इससे 1500 से अधिक लोग ही मारे गए। तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 को हुआ, ये जलियांवाला बाग हत्याकांड अमृतसर में हुआ, अमृतसर पंजाब में वहां पर हुआ। और उस समय जब 1915 में गांधी जी भारत आए थे तो यहाँ जबरन भर्ती हो रही थी, तो गांधी जी ने कहा था, भारतीय से आग्रह किया था कि हमें सेना में भर्ती होना चाहिए, अंग्रेजों का साथ देना चाहिए ताकि हमारे भी कोई सुविधाएं करेंगे, स्वराज आएंगे। जबरन भर्ती का गांधी जी ने आग्रह के बाद में भारतीय लोग सेना में भर्ती हुए, लेकिन उसका क्या परिणाम मिला, उनका क्या पुरस्कार मिला, उनका पुरस्कार मिला भारतीयों को रॉलेट एक्ट, उनका पुरस्कार मिला भारतीयों को जलियांवाला बाग हत्याकांड। उसके बाद गांधी जी को पता चला कि अब तो ऐसा ठीक नहीं रहेगा, हम चंपारण आंदोलन सफल हुए, खेड़ा आंदोलन सफल हुए, अहमदाबाद मिल मजदूर आंदोलन सफल हुए, उससे प्रेरणा लेकर उन्होंने कहा हमें पूरे भारतवर्ष में आंदोलन करना चाहिए। उन्होंने दक्षिण अफ्रीका में रहते हुए पुस्तक लिखी थी और उस पुस्तक का नाम था हिंद स्वराज, उसमें उन्होंने लिखा था कि भारत में जो शासन अंग्रेजों का चल रहा है वो अंग्रेजों का शासन भारतीयों के सहयोग से चल रहा है, अगर भारतीय सहयोग करना बंद कर दे तो 2 साल के भीतर ये शासन समाप्त हो जाएगा। तो उसी विचारधारा को लेकर गांधी जी ने कांग्रेस की बैठक करके तय किया हमें अंग्रेजों का सहयोग नहीं करना है, इस तरह से सहयोग नहीं करके आंदोलन करने की जो एक प्रक्रिया अपनाएगी, एक आंदोलन खड़ा गया उसे असहयोग आंदोलन कहा गया। ये असहयोग आंदोलन 1920 में शुरू होना था लेकिन लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु के बाद में ये गति नहीं पकड़ पाया। फिर नागपुर अधिवेशन 1920 में फिर तय हुआ कि जनवरी से शुरू किया जाए, और जनवरी 1921 में इस असहयोग आंदोलन की शुरुआत हुई। जगह जगह पर असहयोग हुआ, किसी तरह कार्यालय में कोई काम नहीं हुआ, लोगों ने अपनी पदवियां जो पुरस्कार अंग्रेज सरकार के द्वारा दी गई उनको लौटा दी गई। जगह जगह पर धाराएं के रूप में लोग एकत्रित होने लगे, बागानों से, गांवों से, शहरों से, पुरुषों के रूप में, महिलाओं के रूप में जगह जगह उफान था, और लोग नारा के रूप लगाते हुए जुलूसों के रूप में एक स्थान से दूसरे जा रहे थे, और भारत में राष्ट्रवाद उफान पर था। भारत में राष्ट्रवाद उफान पर था, इसी समय एक जुलूस जा रहा था उत्तर प्रदेश के गोरखपुर शहर में, सोरी सोरा नामक पुलिस स्टेशन एक जुलूस आगे जा रहा था, पुलिस स्टेशन आगे गुजर ही रहा था कि पुलिस वालों को अंग्रेजी शासन का इतना घमंड था कि उन्होंने जुलूस के साथ अभद्र व्यवहार कर दिया। जहां अभद्र व्यवहार कर दिया तो उस जुलूस को भी गुस्सा आ गया, और उस जुलूस ने सोरी सोरा हत्याकांड के सोरी सोरा पुलिस स्टेशन के चारों तरफ से घेर लिया और उसको मिट्टी का तेल डालकर सोरी सोरा पुलिस स्टेशन को जला दिया गया। ये घटना हुई 5 फरवरी 1922 को, 5 फरवरी 1922 को एक थानेदार से 21 पुलिसकर्मी, अर्थात 1922 से 22 पुलिसकर्मियों को जिंदा जला दिया गया। ये 5 फरवरी 1922 की घटना हुई, गांधी जी को पता चला, तो 11 फरवरी 1922 को गांधी जी ने आनंद फानंद में कांग्रेस की बैठक बुलाई और बैठक बुलाकर कहा कल से 12 फरवरी 1922 से हमारा असहयोग आंदोलन समाप्त होता है, क्योंकि असहयोग आंदोलन में जो कार्यकर्ता है वो हमारा अहिंसक आंदोलन होना चाहिए, और हमारे कार्यकर्ता हिंसक हो गए इसलिए उनको अभी प्रशिक्षण की आवश्यकता है, इसलिए मैं मेरे आंदोलन को समाप्त करता हूँ। और इस तरह से तीव्र गति से बढ़ता हुआ आंदोलन जो भारत में राष्ट्रवाद उफान पर था वो अचानक धूमिल कर दिया गया। इस तरह से गांधी जी को जलियांवाला बाग हत्याकांड में हिंसा नजर नहीं आई, और गांधी जी को ये जो सोरी सोरा हत्याकांड हुआ इनको ये हिंसा नजर आ गई और इस आंदोलन को समाप्त कर दिया। भारत के सुभाष चंद्र बोस ने, भारत के नेताजी सुभाष चंद्र बोस ने इस संबंध में कहा है कि गांधी जी ने भारत के साथ वही हादसा कर दिया जो तीव्र गति से चलती हुई रेलगाड़ी को अचानक ब्रेक देने से जो हादसा हो जाता है, तीव्र गति से चलती हुई रेलगाड़ी को अचानक ब्रेक देने से जो हादसा होता है वही गांधी जी ने इस उफान भारतीय राष्ट्रवाद के उफान को अचानक बंद करके इस असहयोग आंदोलन को समाप्त करके वही हादसा किया है जो रेलगाड़ी द्वारा होता है, ऐसा सुभाष चंद्र बोस का। आज हमने भारत के राष्ट्रवादवाद के बारे में पढ़ा, संक्षिप्त में परिचय राष्ट्रवाद विश्व युद्ध के बारे में, फिर खिलाफत असहयोग आंदोलन के बारे में, और दूसरा टॉपिक ये बस गया खिलाफत आंदोलन। जब प्रथम विश्व समाप्त हो गया था तो प्रथम विश्व समाप्त होने के
के बाद में जीते हुए जो मित्र राष्ट्र थे वो धुरी राष्ट्रों के ऊपर अपनी संध्या थोप रहे थे। उसी में एक तुर्की राज्य था जो धुरी राष्ट्र में था, और ये मित्र राष्ट्र इस तुर्की के शासक को हटा कर मित्र राष्ट्र बांट रहे थे। और इस तुर्की का जो शासक था वो मुसलमानों का धार्मिक गुरु था जिसको खलीफा कहते, और खलीफा को हटा कर तुर्की का विभाजन किया जा रहा था। ऐसी स्थिति में मुसलमान जितने भी थे वो मित्र राष्ट्र का विरोध कर रहे थे। तो ऐसी स्थिति में भारत के मुसलमान भी मित्र राष्ट्र का विरोध करने के लिए अंग्रेज सरकार का विरोध करने लगे। और 1919 में खिलाफत समिति बनी बंबई के अंदर, जिसका नेतृत्व कर रहे थे शौकत अली और मोहम्मद अली। शौकत और मोहम्मद अली के नेतृत्व में खिलाफत समिति बनाएगी, और फिर 1919 खिलाफत आंदोलन हुआ। लेकिन कुछ समय बाद में तुर्की की जनता ने समय उस खलीफा का विरोध करना शुरू कर दिया, जिसकी खिलाफत आंदोलन स्वतः ही समाप्त हो गया। उसको समाप्त करने के लिए घोषणा करनी नहीं पड़ी, जिस तरह से असहयोग आंदोलन समाप्त करने की घोषणा की यहाँ करने नहीं पड़ी। तो आज हमने विश्व युद्ध के संक्षेप में बारे पढ़ा, खिलाफत आंदोलन, असहयोग आंदोलन, रॉयल टैक्स, जलियांवाला बाग, इसके बारे में पढ़ा। अगले क्लास में हम पढ़ेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।